हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। सो आज हमारा टॉपिक है आपका सोशल रिलेशनशिप। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था पहली वीडियो में, ये आगे का आपका कंटिन्यू पार्ट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में अच्छे सामाजिक आपके विकास के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। ज्ञान और कौशल जैसे अच्छे तौर तरीके, अच्छी वार्तालाप, योग्यता एवं दूसरों के साथ बहुत ही सामान्य रुचियां होना। जब किशोरावस्था होती है तो कुछ जो हमारा सामाजिक विकास के लिए कुछ आवश्यक बातें जो है कुछ बातें जो है वो अवश्य होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका इसमें जैसे आपका ज्ञान और कौशल हो गया। इसमें क्या होता है कि जो जब हम समाज में उठते बैठते हैं तो हमें अच्छे तौर तरीके आने चाहिए, बैठने का ढंग, उठने का ढंग, बात करने का ढंग किसी से। फिर आपका जो है वार्तालाप अच्छी करने सीखता है बच्चा, या आनी चाहिए उसमें, योग्यता होनी चाहिए एवं दूसरों के साथ बहुत ही सामान्य रुचियां होना। और ऐसी रुचियां भी होनी चाहिए जो दूसरों से मेल खाती हुई हो सके। कुछ कुछ रुचियां ऐसी होती हैं जो हमारे साथ में, जो हमारे सोशल रिलेशनशिप है, जो अदर पर्सन है उसके साथ जो है हमारी रुचियां मेल खाती हैं। जैसे आपके बातें करना हो गया, हंसना, किसी को ज़्यादा हंसना पसंद है तो आपके साथ में भी अगर कोई पर्सन है तो उसे भी हंसना ही पसंद होगा। इस तरीके की छोटी छोटी बातें हैं जो समाज में अपना तालमेल बैठाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। फिर सेकंड है आपका दूसरों के प्रति उचित अभिवृत्ति, जैसे अधिकतर लोगों को पसंद करना, योग्य होने पर उनकी सराहना करना, दोस्ती करना, दयालु होना और उदार होना। ये सब बातें जो है बच्चों के अंदर एडोलेसेंस या किशोरावस्था में होनी चाहिए। जैसे अधिकतर कुछ लोगों को पसंद करना, अपनी पसंद की लिस्ट में शामिल करना कि हम इनको लाइक करते हैं, इनको डिसलाइक करते हैं। दूसरा है आपका जो है अगर कोई किसी के अंदर एबिलिटी है, जो हमारे साथी पर्सन है या फिर कोई काम करने वाला वर्कर है, तो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। फिर आपका दोस्ती करना, दोस्त बनाने चाहिए समाज में, दयालु होना, एक काइंड नेचर होना चाहिए कि अगर कुछ बात है, किसी की हेल्प करनी है या कुछ गलती हो गई है किसी से छोटी मोटी, तो हम उसको इजीली माफ़ कर सके। और उदार हृदय होना मतलब जरूरत के समय हेल्प कर दे कोई, इस तरीके का हमारा नेचर होना चाहिए। फिर थर्ड है आपका सुरक्षित और आत्मनिर्भर होना, यानी जिससे किसी भी समूह में सहज ही आत्म सुरक्षित समझ सके, दूसरों पर बिना स्नेह ध्यान और सहायता के लिए निर्भर न हो। यानी सुरक्षित और आत्मनिर्भर आपका होना, जिससे कि कभी भी किसी समूह में जो है सहज ही आत्म सुरक्षित, जो हमें इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए किशोर अवस्था में कि हमें अगर हमारा कोई ग्रुप है तो हम उसके ऊपर डिपेंड ना हो, चाहे वो आपका वर्किंग में हो या फिर फ्रेंड सर्किल हो। तो हमें इस तरह इतना आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से दूसरे पे डिपेंड न रहे, और जो बिना कारण इसने ध्यान और सहायता के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए किसी पे भी। फोर्थ पॉइंट है जिम्मेदारी की भावना होना, मतलब वे आभार, नियुक्ति आदि के क्षेत्र में योग्यता विकसित कर सके, जो दूसरों के एहसान के लिए आदर देने में सहायक के लिए सहायक हैं। मतलब जिम्मेदारी का आभास होना, अगर कभी हमें किसी की जरूरत पड़ सके तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि अगर उस पर्सन को कभी जरूरत है तो हम भी उसके लिए खड़े हो सके, और मान लीजिए उसने हमारी हेल्प करी है तो हमें उसका जो है आभार व्यक्त करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका विभिन्न सामूहिक बैठकों में भाग लेना, जिससे वह इस सामाजिक बैठकों के मूल्य और क्रियाओं की सराहना करने के में सहायक हो, उसे प्रोत्साहित दे सके, जिसमें वह दूसरों के अधिकार को जानते हुए पूर्ण जागरूक रह के रुचि दे सके। मतलब जो समाज है उसमें विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए, या किशोरावस्था किशोरों को ये पता होना चाहिए कि समाज में किस किस तरीके की जो है रीति रिवाज हैं, और उनके अनुसार ही बैठकें भी होती हैं, अलग अलग सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, तो उनमें भी उनको जो है, या फिर कुछ सोशल वर्किंग होती हैं उनमें भी अलग अलग जो है आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस तरीके का बनना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि इन सभी चीज़ों में वो अपना सहयोग दे सके।
फिर आपका किशोर अवस्था विकसित सामाजिक संबंधों की आवश्यकता है। इस अवस्था में किशोर बालक अत्यधिक जो है क्रियाशील रहता है और उसकी अधिकांश क्रियाएं सामाजिक पृष्ठभूमि में ही होती हैं, किंतु उसके सामाजिक व्यवहार का जो स्वरूप पूर्व किशोरावस्था में दिखाई पड़ता है वह उत्तर किशोरावस्था में पहुंचकर परिवर्तित हो जाता है। जो आपका किशोरावस्था है जो समाज में संबंधी जो अवस्थाएं होती है उनमें जो है विकसित होता है। इस अवस्था में किशोर बालक जो है अत्यधिक क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि ये एज इस तरीके की होती है कि उनको थकान कम रहती है, मानसिक रूप से वो इतने जो है एक्टिव रहते हैं कि कोई भी अगर किसी भी तरीके की क्रियाशीलता है तो वो उसमें इजीली भाग ले सकते हैं। और अधिकांश जो है सामाजिक पृष्ठभूमि जो क्रियाएँ होती हैं वे सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी रहती हैं, किंतु उसके सामाजिक व्यवहारों का स्वरूप पूर्व किशोरावस्था में ही दिखाई देना पड़ना आरंभ हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये किशोरावस्था से पूर्व ही आभास होना शुरू हो जाता है कि बच्चा किस तरीके का उसका नेचर है। किशोरावस्था में पर्दापण करने पर बालक विवालिकाएँ दोनों के सामाजिक जीवन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो जाता है। इस संदर्भ में क्रो एवं क्रो का कथन है कि जब बालक 13 से 14 वर्ष में प्रवेश करता है तब दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल अनुभवों में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। किशोरावस्था में अच्छे सामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यकताएं हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं थोड़े से किशोरावस्था में जब एंटर करते हैं, आपकी 13 से 14 साल की उम्र होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किशोर जो बच्चे होते हैं वो उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें वो बाउंडेशन लगती है। तो जो भी किशोरावस्था में जितने भी अच्छे सामाजिक विकास हैं उसके लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। आपका गज ये आपका फिफ्थ पॉइंट था यहाँ पे, और आगे आपका है इसमें ये सिक्स पॉइंट, सहयोग के साथ समायोजित होना, दूसरों के प्रयत्नों की सराहना करना और खुशी में सहयोग देना। सेवन पॉइंट है आपका पड़ोसियों के साथ दोस्ती और उन्हें सहायता पहुँचाने की अभिव्यक्ति होना, मतलब जो पड़ोसी लोग होते हैं उनके साथ भी उसकी दोस्ती होनी चाहिए और अगर कभी कुछ जरूरत पड़ती है तो उन्हें सहायता देनी चाहिए। एट पॉइंट है आपका समुदाय के प्रति अभिवृत्ति, जो समुदाय की रुचि के अनुसार हो और जिम्मेदारी को स्वीकार करने की इच्छा रखना, मतलब जो एक ग्रुप होता है उसके प्रति अपनी अभिवृत्ति रखनी, जो कि क्या होता है समुदाय की रुचि के अनुसार और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की इच्छा रखता है। नाइन पॉइंट आपका दुनिया के प्रति अभिव्यक्ति, जहां अन्य व्यक्तियों के कल्याण में रुचि रखना, बिना पूर्व धारण के दुनिया की समस्याओं की होशियारी से तोलना और बड़ी संख्या के हित के लिए बलिदान देना। मतलब गस आपने देखा होगा जैसे हमारे कुछ वीर होते हैं जो फौज में चले जाते हैं, फौज में भर्ती हो जाते हैं, तो इस तरीके की क्या है जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इनके लिए वो बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। समायु साथियों या मित्र मंडलियों की भूमिका, फिर से आपका इसमें रोल ऑफ पीयर, मतलब सामूहिक संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनेक आवश्यक कार्य संपादित करते हैं। इनके द्वारा भूख ग्रुप यानी ग्रुप हंगर की संतुष्टि होती है अथवा एकांत से मुक्ति मिलती है। समूह संबंधों के द्वारा व्यक्ति को स्वयं के प्रति संप्रत्यय होते हैं तथा जो दूसरे व्यक्तियों को समझने के अवसर दिए जाते हैं उन्हें भिन्नता समझने में सहायक होती है। गज आपका सामूहिक संबंध यानी और व्यक्ति समाज दोनों के लिए जो है दोनों ही आवश्यक हैं और एक कार्य संपादित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो खाना है हमारा वो आपका सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ाता है, मतलब आप सोशल रिलेशनशिप भी स्थापित करता है। आप किसी को खाने के द्वारा आमंत्रित करके अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं और अपनी परेशानियां भी उसको बता सकते हैं। तो खाने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप है वो अच्छे बना सकते हैं। उसके द्वारा आपका क्या समूह व्यक्ति समूह संबंधों के द्वारा व्यक्ति उसके प्रति स्वयं प्रत्यय
होते हैं जथा वे दूसरे व्यक्ति को समझने के अवसर दिए जाते हैं, उनमें भिन्नता समझने में भी सहायक होते हैं। अगर हम किसी को किसी से हमें कुछ काम है, हम किसी को घर पे इनवाइट कर रहे हैं, तो हम अपने खाने के थ्रू जो है अब व्यक्ति के सामने अपनी बात रख सकते हैं और उससे अपनी बात को मनवा सकते हैं। समूह संबंध के अंतर्गत सामाजिक भूमिका का पता चलता है, जिससे सामाजिक स्तर और कौशल संगठन जो स्वयं के लिए परितोषित हो और दूसरों के द्वारा स्वीकृति किया जा सके, व्यक्ति का संपर्क मूल्य निर्धारण को विस्तृत करता है जो घर में संभव नहीं होता। जो समाज में क्या होता है, जब हम उठते बैठते हैं तो उससे हमारा सामाजिक स्तर और कौशल जो है उसका संगठन, दोनों का संगठन होता है, जो कि घर पे हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, ये हम बाहर ही जाके कर सकते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक संबंध ऊंची सार्थकता प्राप्त करते हैं, तो व्यक्ति निर्माण में क्रांति अवस्था होती है। यदि अगर किशोरावस्था में ही आप जो किशोर हैं वो अपने संबंध अच्छे बना लेंगे, समाज में अच्छी जगह से स्थापित करेंगे, तो उनका जो व्यक्तित्व का निर्माण है उसमें तेजी आएगी। किशोरावस्था जीवन निर्णय लेने में जो ये उम्र में आरंभ कर देते हैं, अपने साथियों द्वारा प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि इस उम्र में भी बच्चे जो हैं अपने निर्णय लेने आरंभ कर देते हैं, अपने कैरियर के, अपने पहनने ओढ़ने के, अपने लुक के, तो वो किसके द्वारा होता है, अपने शादी संबंधों का असर होता है उन पर, उसके द्वारा उन पे भी वो प्रभावित होता है। उनकी जो मनोरंजन की रुचियां हैं, जैसे धार्मिक नैतिकता और सामाजिक विश्वास, व्यवसाय का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, चुनाव में भी उनके साथियों का प्रभाव देखा जाता है। तो जो एक जो आपका फ्रेंड सर्किल होता है इस उम्र में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने की बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं, वो अपने जो है आपके अलग अलग चीज़ें जो भी जितनी भी घटनाएं घटती हैं, तो उसका जो क्या होता है अपने साथी समूह का उन पर प्रभाव देखा जा सकता है। साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप्स किशोर को उनके जो है परिवार आपका और से आत्मनिर्भरता विकसित करने में सहायक होते हैं। साथी अहम यानी ईगो निर्माण में भी प्रत्येक भूमिका निभाते हैं। साथियों का जो ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, जो उनके परिवार से आत्मनिर्भरता मतलब इंडिपेंडेंट भी विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। और आपका उसी समय साथियों का समूह प्रभार मुक्त दर्पण दिखाई देते हैं, जिसमें किशोर स्वयं को साथियों के बीच आने देखता है, उसके साथ सफलता और असफलता दोनों को स्पष्ट करते हैं। उसी समय साथियों का समूह प्रभार मुक्त दर्पण दिखाते हैं, जिसमें किशोर स्वयं को साथियों के बीच आने पर देखता है, उसके साथ सफलता और असफलता दोनों को स्पष्ट करते हैं। बालक के स्कूल और पड़ोस के साथ ही उनके सामाजिक व्यवहार और अभिवृत्तियों के बालक के स्कूल और पड़ोसी के साथ उनके सामाजिक व्यवहार व्यक्तियों के प्रतिमान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूह उनके साथ व्यवहार करता है और बालक से वे जो अपेक्षा रखते हैं, जिससे वे स्वयं कर किया जा सकता है, ऐसे तत्व होते हैं कि उनके सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान निर्धारित करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपका बालक के जो स्कूल होता है और आस पड़ोस होता है, ये सामाजिक व्यवहार और एक बच्चे का